विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर फीकस सिर्फ। जिले मेरचल के जवाहरनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मलकाराम तालाब में डूबने से 6 अफराद की मौत वाकई हो गई, जिसमें 5 बच्चे शामिल है। मुकामी अफराद का कहना है कि मदरसे के 25 बच्चों को दावत के लिए जवाहर नगर लाया गया था, जिसमें 5 बच्चे एराकुंटा चेरू के करीब घूमने निकल पड़े और मलकाराम तालाब में डूब गए। दूसरे तुलबा जो इन्हें देख रहे थे, उनके उस्ताद को इतला दी, जो अपने तुलबा को बचाने के लिए गए और आखिरकार वो भी डूब कर फौत हो गए। गांव वालों की इतला पर जवाहर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मुकामी लोगों और गोताखोरों की मदद से 6 नाशों को तालाब से बाहर निकाला। स्टेशन हाउस ऑफिसर HSO जवाहर नगर पुलिस स्टेशन चंद्रशेखर ने बताया, लिहाजा नाशों को बगर से पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि इनमें से 5 बच्चों का ताल्लुक काचीगुड़ा हैदराबाद से है। इस वाकये के बाद जवाहर नगर में अफसोस की लहर दौड़ गई। पेश है 18 तेलंगाना न्यूज से ये खसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा व अहम तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मस्जिद तैयबा है, ये मस्जिद तैयबा के मौजन साहब मोहम्मद सलीम साहब के फर्जन मोहम्मद याहिया का इंतकाल हो गया, जो मेरचल के पास जवाहरलाल नगर में लेक में बच्चे 6 बच्चों का इंतकाल हुआ बोल के मालूम हुआ। फंक्शन में गए थे, वहाँ पे एराकुंटा चरू में वहाँ पे 6 बच्चों का इंतकाल हो गया और वो एक बजे तो और वो गांधी में पोस्टमार्टम हो रहा है। वो बच्चे दावत में गए थे बोल के मालूम हुआ ऐसा। हाँ, दावत में गए, वहाँ पे 35 बच्चे मदरसे से दावत में गए बोल के मालूम हुआ। 35 बच्चे टीचर का भी इंतकाल हो गया। हाँ, इन्होंने टीचर ही है बच्चे, ये याहिया का एज जो है 25 साल है और बाकी के 5 बच्चे बहुत छोटे मासूम बच्चे हैं। 10 साल 11 साल 12 साल 6 साल का भी है, 8 साल का भी बच्चा है, उसमें भी छोटे मासूम बच्चे हैं बाकी के 5 बच्चे और उसमें इन्हों एक बड़े हैं, इन्हों टीचर मुल साहब है इन्हों, ये याहिया अभी 25 साल है उम्र उनकी। तो रिटर्न में गए उन्होंने तालाब का, पता नहीं वो क्या हुआ, पता नहीं। अभी से जा रहे थे दावत में से वहाँ तैरने के लिए बोल के गए, हो गया ये हादसा। बहुत अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना था बच्चों के साथ, इससे ऐसे होते जा रहे हादसे। गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही इसके ऊपर।